हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर 4, जैसे को तैसा. ओके okay? ओके मैम। ओके तो पहले हमें इसमें रीडिंग करनी है. ओके और इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो हम बारी बारी करके रीड करवाते हैं. पहले यहां से यहां तक भारती रीड करो. ओके मैम। जंगल में एक तालाब था, उसमें एक बुगला रहता था। वहाँ तालाब से मछली पकड़ता और उन्हें खाकर अपना पेट भरता था। पास में ही एक लोमड़ी रहती थी, बहुत चालाक थी। उसने बगुलू से दोस्ती कर ली। वहाँ गुड प्रति आफ्टरनून दिन मैम. बगलू के पास आ जाती थी। बुगला उसे कुछ मछलियां दे देता, जिन्हें खाकर वह बहुत खुश होती थी। मैम हो गया। ओके गुड आफ्टरनून रुकैया. ओके तो मेन इस चैप्टर में बताया जैसे को तैसा. तो इसमें सबसे पहले एक हंस है. हंस पता है ना आप सभी को जी मैम, क्या होता है हंस? हंस क्या होता है, कैसा दिखता है? हंस बगले से बड़ा होता है, ब्लैक ब्लैक। हंस. ओके मैं बता देती हूँ. हंस और बगुला किसे कहते हैं? हंस बोलते हैं इसको जिसकी चोंच बड़ी होती है, यानी जो बतख जैसा होता जी मैम, है. और लोमड़ी को क्या बोलते हैं? बगुला हिंदी में. ओके ओके मैम। तो इसमें मेनली ये बताया है कि जंगल में मतलब तालाब था, और जो बगुला था वो क्या करता, बगुला वहां पे रहता था और वह तालाब में से मछलियां पकड़ता और उन्हें खाकर अपना पेट भरता था. और पास ही एक क्या लिखा हुआ है, लोमड़ी रहती थी. लोमड़ी रहती थी, बहुत चालाक थी, उसके बगुले से दोस्ती. बगुला इसे बोलते हैं हंस को हिंदी में. ठीक है, दोस्ती कर ली. वहां मतलब प्रिय दोस्त बन गए. फिर जो बगुला के पास आ जाती थी, बगुला उसके कुछ मछलियां दे देता. गुड आफ्टरनून. जो बगुला होता है यानी जो ये हंस होता है, ये होता है, इसकी ना चोंच, इसकी चोंच बड़ी होने की वजह से वो मछलियों को पानी के ऊपर से तुरंत पकड़ लेती है. लेकिन ये जो लोमड़ी है ये थोड़ी ना पकड़ पाएगा क्योंकि इसकी चोंच तो लंबी ही नहीं है. जी तो ठीक है, सबसे पहले तो लोमड़ी ने लालच के लिए हंस से दोस्ती कर ली बगुला से. ओके आप ये स्टोरी दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या? ओके मैं रीड कर दूं मैम जल्दी नहीं, इसमें भारती ने बता दिया. उसमें मतलब एक ये बताया गया है कि तालाब के पास एक हंस रहती थी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बगुला उसका एक नाम था. तो से? जो वो मछलियां पकड़ के अपना पेट पालती थी और उससे थोड़े से पास में लोमड़ी रहता था. तो लोमड़ी ने देखा और लोमड़ी ने हंस से दोस्ती कर ली, यानी बगुला से दोस्ती कर ली, और उसकी मतलब उससे अच्छी दोस्ती हो गई. तो जो बगुला था उसे कुछ मछलियां दे देता था जिसे खाकर वह बहुत खुश होता था, यानी लोमड़ी बहुत खुश होता था. और लोमड़ी ने लालच से दोस्ती की थी. ओके अब यहां से यहां तक रुकिए, आप रीड करो, सबका टाइम आएगा.
एक दिन लोमड़ी ने बगुले से कहा, भाई तुम किसी दिन मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ। बगला बोला, बहन इसकी जरूरत नहीं है। लोमड़ी बोली, नहीं तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। तो लोमड़ी ने किसको बुलाया था अपने घर? बगुले बगुले को मैम, को। को। बगुले को अपने घर बुलाया था उसने। ओके, अब उसके आगे की स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके आगे की सोनम रीड करेंगी यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। बगुले ने कहा, ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कल ही आ जाता हूँ, अब तो खुश हो? लोमड़ी ने कहा, हाँ। बगुला अगले दिन लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी चालाक तो थी ही। उस दिन उसने खीर बनाई और उसे दो थालियों में परोसा। दोनों खीर खाने लगे। खाने लगे। अब ये देखो कि वो कैसे खा रहे थे। लोमड़ी तो चाट के या फिर मुंह लगा के हाँ खाता है, लेकिन जो हंस बिल्कुल। होती है वो ऐसे नहीं खा पाती है। हंस हाँ हमेशा या तो पानी से खा पाती है या फिर अपने चोंच से उठा पाती है, लेकिन वो खीर तो खा ही नहीं पाएगी। नहीं खा ठीक है, ठीक है। पाएगी। तो इससे पता चलता है कि लोमड़ी ने किसकी? बबुला की बेइज्जती की। ओके, अब यहां से यहां तक कौन रीड करेगा? करो। ओके मैम। लोमड़ी थोड़ी ही देर में सारी खीर खा गई, लेकिन बगुले की चोंच थाली में फैली खीर में नहीं डूब पाती थी, इसलिए वह भूखा ही रह गया। बगुला लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसने लोमड़ी को पाठ पढ़ाने का इरादा कर लिया। कुछ दिन बाद उसने लोमड़ी को दावत पर बुलाया। लोमड़ी ठीक है समय पर बगुले के घर पहुंच गई। बगुले ने दो 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 सुराही में भर रख दी। बगुले ने लोमड़ी से कहा, आओ आओ भोजन करें। बगुला अपनी लंबी पतली चोंच से मछलियां निकाल निकाल कर खाने लगा। थोड़ी ही है अपनी सुराही की सारी मछलियां खा गया। ओके, तो ये आप सभी को समझ में आया? जो लोमड़ी ने किया वही हंस ने किया। हंस जी ने मैम। उसको अपने घर बुलाया, और जो एक जार होता है, नीचे एग्जाम्पल दे रखी है, ये देखो जी। पर एग्जाम्पल दे रखी। तो अब वो कैसे हंस खाए? ने भी लोमड़ी के साथ वही किया जो लोमड़ी ने हंस के साथ किया। जी जी अलीना क्लास में है? यस मैम। अलीना आप ये रीड कर पाओगी? मैम मुझे हिंदी नहीं आती उतनी अच्छी। अच्छा ठीक है, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं ना तो आप बोला करो, ठीक है? ओके, ओके भारती रीड करो। यस मैम। लोमड़ी का मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था जा सकता, इसलिए वहां एक भी मछली खा सकी और भूखी ही रह गई। तो इसमें हमें पता चलता है कि जैसे लोमड़ी के घर पे हंस नहीं खा पाई थी, वैसे ही लोमड़ी भी हंस के घर नहीं खा पाया। तो हमें भी अपने जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे नाइब्रोज होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनके साथ अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, जैसे वो हमें मानते हैं। जी यहाँ तक यहाँ तक रुकिए, आप रीड करो। मैम। बगुला बोला, भोजन में मजा आया ना? लोमड़ी बोली, भाई तुमने मुझे ठीक सजा दी है। मैंने उस दिन जो किया वह नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। बगुले ने उसे क्षमा कर दिया। हाँ, तो इससे लोमड़ी को अपनी गलती रियलाइज हुई, यानी महसूस हुई कि उसने गलती की। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं
तो हमें ये नहीं पता होता, हम अगर मान लो मैंने किसी को चोट पहुंचाया, मुझे खुशी मिली, मुझे मजा आया, लेकिन अगर वही व्यक्ति मुझे चोट पहुंचाएगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, यू नो। यस बिल्कुल सही। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बगुला कहाँ रहता था? कहाँ रहता था, तालाब में, पेड़ पर या गुफा में? तालाब में। वेरी गुड, ऐसे आना चाहिए सबके जवाबों के। बगुला लोमड़ी को खाने के लिए क्या देता था? मैम मछलियाँ। ओके वेरी गुड। ओके ये वाला आप रीड करो। लोमड़ी ने खीर किसमें परोसी? थाली में। मैम थाली में। मैम थाली में। वाओ वेरी गुड। अलीना आपको स्टोरी तो समझ में आई ना? यस मैम, मैं अब गला बैठा हुआ है आज। ओके ठीक है। ओके अब ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर आ गया है, लेकिन उससे पहले हम क्या कहेंगे करेंगे, किसने कहा। वेरी गुड। तो ये दिस इज योर क्लास वर्क, इसे अभी करके मुझे भेजो मैम नोटबुक पे। मैम स्क्रीनशॉट में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी कर सकते हो, बट जल्दी करना, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। 12:13 पर मेरे पास आ जा, 12:14 पर मेरे पास आ जाना चाहिए। ओके मैम। ओके मैम अभी देखती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया मुझे ये, मतलब इन्होंने बोला है किसने कहा, मतलब किसने कहा, हम बोलते हैं ना कि किसी ने किसी के बारे में अफवाह फैलाई है कि वो बच्चा नहीं पढ़ता है, तो हम बोलते हैं ना किसने कहा, और जिसने कहा उसने किससे कहा, तो इसमें क लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ, तो अब आपको ये लिखना है कि सबसे पहले दावत देना चाहता हूँ ये किसने कहा और किससे कहा। ओके मैम। जितना आएगा उतना कर लो अलीना, चाहे 2 लाइन आपको आए, लेकिन बाकी सारे बच्चे जल्दी से कंप्लीट करके भेजो। ओके
हेलो मैम। ओके, तो इसमें सोनम का सही है और अब बाकी सबका भी सही है, बस थोड़ी सी एक गलती हो गई है, बाकी सबकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें आपने बहुत अच्छा किया है वर्ड में। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरे। तो जो खाली जगह में भरना है, सोनम अपना पेंसिल का ऑप्शन ऑफ करो। सॉरी मैम, वो गलती हो गया। अब यहाँ पर आपको क से लेके ड तक कुछ यहाँ पर मिसिंग वर्ड है और ये वर्ड यहाँ दे अच्छा रखे हैं, लेकिन ये कहाँ लगाना है ये आपको देखना है। ओके, मैम बताना अभी। नहीं, अभी नहीं बताना है, क्लास वर्क है आपका। अच्छा ओके, पहले ओके तो मैम, सबसे क्या पहले लेना है, यस स्क्रीनशॉट लेना है इसका? यस यस स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपका क्लास वर्क है। ओके मैम। ओके मैम। आप लोग वर्ड जोड़ने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लोमड़ी बहुत, नो मैम, जोड़ हाँ बहुत लूंगी। यस इजी है ये, बहुत इजी है। मैम, बहुत मैंने लिखा इजी है। दे रखा है। तो करना शेयर करें मैम। यस यस करना स्टार्ट करो, और इसके लिए आपको मिलता है 4 मिनट, वही ट्वेंटी मैम के अभी समिट करना कर है? देना। यस यस दिस इज योर क्लास फॉर बुक ओके मैम। मैम बुक में करूं? में कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट से कर लो, बट जल्दी करके भेज देना बस। मिनट्स एफ डब्ल्यू बना रही है ना कि एम? ये क्लास वर्क लिखा है मैंने। अच्छा रुकैया का बिल्कुल सही है और आपने टाइम पर भेज दिया और टाइम अप होने वाला है, ओनली यू हैव 1 मिनट। मैम बस हो गया। ओके, सेंड मी फास्ट। ओके मैम, बस स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। और सोनम आपका मेरे पास हिंदी व्याकरण का होमवर्क नहीं आया है, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों।
ओके मैम देख लूंगी, मेरा म्यूट था ना। ओके मैम सेंड कर दिया मैंने। भारती तुम तो बहुत तेज लिखती हो। थैंक यू मैम। सबका बिल्कुल सही है, किसी का कुछ भी गलत नहीं गया। वेरी गुड। ओके अलीना बेटा आपने नहीं भेजा। अलीना बस मैम एक ओके अब यहाँ पर है समझो और बहुवचन बनाओ। जैसे जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ या लगाना है, मेरा पेंसिल भी नहीं चल रहा। जैसे मछली मैम इसका थाली है तो थालिया आएगा ना मैम। या ऑफकोर्स ऐसे ही करना है। तो ये सिर्फ सेक फाइव है तो आप लोग जल्दी करके भेजो। मैम ये भी लिख रहा है। मैम अभी यस यस राइट नाउ। ओके मैम अली आप सारे बच्चे करना शुरू करो। अभी भेजती हूं जी। सारे बच्चे करना शुरू करो। ओके अलीना बेटा देखो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस मैम। गुड। यस मैम। अलीना देखो यहाँ पर लिखा है लोमड़ी बहुत, तो यहाँ पर लिखना था हमें लिखना था यहाँ पर चलाक, क्योंकि लोमड़ी बहुत चलाक थी। मैम मुझे लोमड़ी बहुत तो पढ़ना आ गया लेकिन बड़ी का कुछ नहीं आ रहा था पढ़ना। अच्छा तो आप ये मुझसे पूछ लेते कि क्या क्या लिखा, मैं बस आपको बता देती, आंसर आप अपने आप लिखते। ओके बबूला अकेले अगले दिन, उसके आगे है के घर पहुंच गया, तो अगले दिन बबूला किसके घर पहुंचा। मैम लोमड़ी के घर। बिल्कुल एग्जैक्टली लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी टू। ओके लोमड़ी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी ही देर में सारी, और यहाँ हमारा मिसिंग है खा गई, तो क्या खा गई, ऑब्वियसली खीर खा गई क्योंकि लोमड़ी तो खीर खा गई थी ना। यस मैम। अब यहाँ पे है बबूला लोमड़ी की, फिर यहाँ पे डैश है, फिर को समझ गया। अब जो बबूला था यानी जो हंस था वो क्या समझ गया, वो समझ गया कि वो चलाकी कर रहा है। यस मैम। उसका लास्ट हमारा क्या था, बबूला ने उसे क्षमा कर दिया, मतलब माफ कर दिया मैम। हाँ माफ कर दिया, लेकिन उसको लिखना है क्षमा कर दिया। आप अलीना इसका टेस्ट ले लो, मैंने नंबर वन लिखा है, आप ऐसे ऐसे समझ लेना। रुको मैं ऐसे भी कर देती हूँ, आपको इससे और आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि कई चीजें समझ में नहीं आ पाती। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में करके भेज सको, ठीक है। ओके मैम मैंने ले लिया। ओके ओके रुकैया ने बिल्कुल सही किया है, रुकैया का मेरे पास सबसे पहले आ गया और मेरे पास किसी बच्चे का नहीं आया। अलीना को क्वेश्चन नहीं करना था, मैंने अलीना को वो क्वेश्चन नहीं करना था। वो आप सभी का हो गया ये जी मैम। यस मैम। मैम मैंने भी सेंड कर दिया आपको। हाँ आपका आ गया, अभी सोनम का भी आ गया। ओके सबका सही है।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रश्न टू में, आप लोग रीड करके बताओ। शब्द का क्रम ठीक करके वाक्य बनाओ। मतलब इसमें जो शब्द हैं वो आगे पीछे दे रखे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, वो आपको एक सही शब्द बनाना है जो किस जो मतलब एक आंसर निकले। मैम ओके मैम, मैं बताऊं इसका? मैम ये भी स्क्रीनशॉट लेके भेजें। तालाब था। नहीं, ये होमवर्क है। ओके अच्छा ये ओके मैम, मैम, स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ। मैम ले लिया स्क्रीन शॉट मैंने हमारे भी। यहाँ। यस जी मैम, मैम मैंने ओके वेरी गुड। एक तो ये आपका होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन आंसर, सिर्फ इसमें तीन ही है, ये भी आपका होमवर्क है, तो आप लोग खाना इसका भी कहाँ था? स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक ओके मिनट मैम, एक मिनट, अभी लेती हूँ। मैम ले लिया। मैंने अब भी। क्या, तालाब कहाँ था? आपको ऐसे लिखना है, तालाब जहां भी था वहां लिखना है आपको, तालाब यहाँ था, तो बाकी आंसर भी आपको सही से लिखना है। बस ये दो होमवर्क है आपके, मैम ऐसे लिख सकते, तालाब जंगल में था। ओके आपको बताना नहीं था, पर्सनल नंबर पर पूछना था। ठीक है, मैम, आपको सॉरी मैम। लिखना है और आपको दो होमवर्क मिले हैं, आप सबको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मैम नोटबुक में ये करना नोटबुक में करना है और ये होमवर्क है। और ना आप सब पीडीएफ फाइल बनाकर भेजा करो, आप सब पीडीएफ फाइल ही बनाते हो। पे ही ओके कर दूं? मैम, मैम पोएम का ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? पोएम मैम का? मैं तो बना के जी भेज। मैम, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, छोटा कर दे, मिनिमाइज करती हूँ, आप सब ले लो, बड़ा ओके कर मैम, लो अपने उधर से, लो फोन बड़ा कर लो सा और ले लो। मैम हो गया। आप सब भी ले लो जिनको लेना है। ओके मैम मुझे नहीं क्वेश्चन कोशिश करना, देखो जिनको ये स्टोरी लर्न करनी है, जिनको सीखना है इनमें से, तो वो स्टोरी लेना। कोशिश करना कि मुझे रीडिंग करके भेज सके अच्छी तरह। ठीक ओके है, मैम, गुड। ओके मैम, तो चेक करना पड़ेगा। मैम हम हैंड राइटिंग हाँ के लिए ले स्क्रीनशॉट रहे हैं, हैंड ले लेना। राइटिंग साफ करने के ओके मैम लिए। ले लेते। मैम ओके वेरी गुड, ऊपर कर दीजिए। रुकिए मैं आपको ना हैंड राइटिंग वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जिससे आप अब हर रोज एक पेज हैंड राइटिंग वहां पर सेंड करना। ओके जी मैम, थैंक यू। गुड। और इसकी रीडिंग भेजनी है सारे बच्चों को ऑडियो मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके okay? ओके ओके मैम, मैम, ऊपर कर दीजिए। जी मैम, भारती आपने भी ले लिया यस मैम ले लिया। और अलीना आप कोशिश करना ना कि इसमें से जितना आप कर सको उतना जरूर करना। ओके मैम, मैंने भी स्क्रीनशॉट और ले लिया। मैं अब वेरी गुड, और मैं आप सभी की अब लिस्ट बना रही हूँ कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा कितना पेपर दे रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसीलिए आप सब जी लोग पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी क्लासेस अटेंड मैम, करो टाइम टू टाइम। ओके ओके जी मैम, मैम, ओके अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके बाय मैम, ओके बाय ओके बाय ऑल, बाय 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 मैम, बाय 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 और ऑल, बाय बाय बाय। मैम।